और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। भाई आज है ना अपने पास है गूगल का पिक्सल 6 है, और इसके अंदर आज एकदम क्विक बीजीएमआई टेस्ट करेंगे, वो भी FPS काउंटर के साथ में। आप लोगों को एकदम रियल डेटा दिखा देंगे कि किस तरीके का फोन है, गेमिंग में आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो जो मेरे रूम का टेम्परेचर है ना नॉर्मल है, विदाउट AC हमने ट्राई करके रखा था, सिर्फ फैन चालू था। तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स सेटिंग्स मिलती है ना वो स्मूथ और एक्सट्रीम है, बाकी फिर बैलेंस हो गया, फिर आगे के जितने भी ग्राफिक्स है HDR तक हम 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ओनली आप स्मूथ पर एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS कर पाओगे। और जो एंटी अलाइजिंग वगैरह था वो ऑफ करके रखा हुआ था, ऑडियो को हमने अल्ट्रा पे सिलेक्ट करके यहाँ पर टेस्ट आउट किया है। और जो रही बात जायरो की परफॉर्मेंस को लेकर, अच्छी तरीके से इसका जायरो काम कर रहा था। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग TDM को लेकर, तो TDM पर उतने ज्यादा लैग फील नहीं होते हैं। सो इस पर जो मैंने ना FPS नोटिस करे ना मिनिमम वो 50 तक वाले भी मैंने FPS नोटिस करे हैं TDM पर। और फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है, कॉन्स्टेंट 60 FPS गूगल पिक्सल 6 के अंदर आप नहीं महसूस कर पाओगे। FPS में फ्लक्चुएशन ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है। तो ओवरऑल TDM की जो गेमिंग है कैजुअल सिंपल तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो नेक्स्ट आता है अपना बूट कैम्प। तो जब हवा में थे ना प्लेन से ड्रॉप करने लग गए, तब है ना 40-30 40-30 इस तरीके के FPS शो कर रहा था, और जैसे हम लोग लैंड करते हैं ना तो तब ये ना 40-45 वाले बीच वाले FPS ऊपर नीचे करते रहता है, बट कॉन्स्टेंट ये 55 भी नहीं रुकता, ना ही 60 के आसपास, तो टच भी नहीं होता, बहुत रेयर टच होता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो इतना है कि हैवी एनिमी लोड होने के टाइम पर है ना ये लाइक है ना FPS फ्लक्चुएशन करते रहता है, 40-45 55 इसके बीच में ना झूलते रहता है। तो कॉन्स्टेंट 60 FPS वाली बात आपको गूगल पिक्सल 6 के अंदर देखने नहीं मिलने वाली। और क्योंकि जैसे मैंने बताया गूगल टेंसर जो चिप है ना वो मैन्युफैक्चर करता था अपना सैमसंग भाई साहब, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसमें जो हीटिंग है और जो बोलते हैं ना एकदम कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस वाली बात है ना वो निकल के नहीं आती है। और एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ कि भाई 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज है, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब मार देना चैनल को ताकि मस्त में 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद 1 लाख टच करने हैं, तो फटाफट सब कुछ कर डालो दोस्तों। सो नेक्स्ट हम लोगों ने बूट कैंप पे ड्रॉप करके देखा और सेम उसमें भी वही बात हुई, 40 FPS वाले ड्रॉप इसने मारे और बहुत बुरी तरीके से लगे चल रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल 45-50 इस तरीके के एवरेज FPS से निकाल के दे रहा था, और नॉर्मली लाइक 40-55 इस तरीके के FPS में घूमते रहता है। तो इतना है, अगर सिंपल तरीके से समझा दो तो गूगल पिक्सल 6 से आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकाल के देगा, कैमरा का एक्सपीरियंस भी अच्छा निकाल के दे देगा, ओवरऑल लुक भी अच्छा निकाल के दे देगा, पर जो परफॉर्मेंस आपको हैवी टास्क जैसा कुछ काम करना है जैसे कि गेमिंग हो गई वो आप इसके अंदर कोर तरीके से नहीं कर पाओगे। लाइक आप इसके अंदर ना बस कैजुअली गेमिंग कर सकते हो, आपके पास अगर डिवाइस है कभी खेलने का मूड हुआ तो कभी कभार खेल लिया, पर जो कोर गेमर के हिसाब से अगर आप इस डिवाइस को देख रहे हो तब ये डिवाइस आप लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, बस नॉर्मल टाइम पास गेमिंग करनी है तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी जो दूसरे गेम्स होते हैं ना जो सबवे सफर वगैरह जितने भी, वो तो तगड़े चल जाएंगे भाई, इसमें तो 1 रुपये का भी प्रॉब्लम नहीं निकल कर आएगा, बाकी रेस जो हैवी गेमिंग है वो इसके अंदर प्रॉब्लम जरूर करेगी। सो भाई साहब ये थी हमारी तरफ से पूरी बातें गूगल पिक्सल 6 की गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर, FPS मीटर के साथ पूरा डेटा दिखाया आपको, तो आप लोग सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसने FPS में फ्लक्चुएशन करी है, किस तरीके से ड्रॉप मारता है, किन के लिए डिवाइस है। बाकी हम लोग मिलेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।